जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। मैं दावत दे रहा हूँ जो किस्मत वाला है, मुकद्दर का सिकंदर है, और ये नाम है इमरान प्रतापगढ़ी का। बहुत देर से इंतजार में था, मैं इस डाइस पे सबसे छोटा शायर हूँ और मेरा नंबर तो सबसे पहले आना चाहिए था, लेकिन सबसे आखिर में आया। तो ये भी नहीं, एक्चुअली बुलेट ट्रेन चल रही है लेकिन अभी शुरू नहीं हुई है ना, इसलिए लेट पहुंचा। तो जब चलने लगेगी तो वो घर घर जाके सवारियां लेगी, तो इंशाल्लाह हम लोग लेट नहीं हुआ करेंगे। काम कर रहे हैं, बहुत खूबसूरती से आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। अभी शुरू करूँ उसके बाद एडवांस पेमेंट देने में आप लोग इतना आगे हैं, सुन लीजिए उसके बाद आपकी दाद आपकी मोहब्बतें आएँ तो अच्छा रहेगा। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ, शुरू करता हूँ अपना सफ़र। जहाँ भी हैं आप, जैसे भी हैं, अगली सफ़ों में जो लोग बैठे हैं उनसे भी गुजारिश है कि मैं गौर कर रहा था, पीछे के लोग तो दाद दे रहे हैं, आगे वाले लोग हाथ बांध के बैठे हुए हैं। बड़े लोग हैं, ज़्यादातर काम करने के लिए नौकर रखते हैं, हो सकता है दाद वाद देने के लिए भी नौकर रख रखे हो, तो थोड़ा सा आप सबके भी दायरे टूटे में तो अच्छा रहेगा। वैसे शाम जो धीरे धीरे रात में तब्दील हो रही है, इस रात को यादगार बनाने की कोशिश करता हूं। कि देश भक्ति कभी न्याय के नाम पर, देश भक्ति कभी न्याय के नाम पर, मुल्क बेचा गया चाय के नाम पर, बड़ी जिंदगी के साथ सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। डॉक्टर यदु सिंह साहब और उनके पड़ोस में बैठे हुए जफर सिद्दीकी साहब, आप की मौजूदगी मेरे लिए बहुत बड़ी है क्योंकि आप मेरी राजधानी से आते हैं, लखनऊ से आते हैं। सलाम है आपकी मौजूदगी को। सबा जैदी साहब यहाँ पे साहिबा तशरीफ रखती है, यहाँ पे बहुत बड़ा नाम है थिएटर के हवाले से, आपने बहुत काम किया है, तो उनकी मौजूदगी को सलाम। देखिए तादाद कम है यकीनन, लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी भी शहर में अगर इतने अच्छे और इतनी तादाद में मोहब्बत वाले लोग रहते हैं तो वो शहर यकीनन बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा। तो सारे करीब लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, सलाम है। अंजन दास साहब पीछे बैठे हुए, आज दिन में उनसे मुलाकात हुई, मिलिट्री के रिटायर्ड हैं, उनकी मौजूदगी को भी सलाम। मैं पढ़ता हूँ साहब थोड़ी देर, जो भी सियासी आपकी आइडियोलॉजी है उस सबके लबादे को एक किनारे रखिए, और एक शायर जो सच बोलने की हिम्मत कर रहा है उसके साथ थोड़ी देर सफर करिए। कि देश भक्ति कभी न्याय के नाम पर, मुल्क बेचा गया चाय के नाम पर, मुल्क बेचा गया चाय के नाम पर, आज इंसान खुद जानवर हो गया, जान लेता है वो गाय के नाम पर, जान लेता है वो गाय के पर, जान लेता है वो गाय के नाम पर। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, आपने जो दाद वाद दी है इससे मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। ऐसे ही शमीम साहब जैसे जुनूनी लोग मुशारा कराते रहे तो होंगे भी नहीं, इसकी गारंटी के साथ अगले एपिसोड के लिए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, पीछे जो कुछ बुजुर्ग हैं उनकी भी दाद वाद मिले, क्योंकि आपकी तालियां आपकी दाद हमारे लिए वैसे ही है जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदान, तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग
ढंग से बजेगी तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत खूबसूरती से सुन रहे हैं। मैं चार मुसरे और पढ़ता हूँ। अभी शमीम साहब ने बहुत जज्बाती होते हुए बात कही कि 70 मुसलमान थे, बाकी सारे हिंदू भाई थे, लेकिन मुझे कोई चुनाव नहीं हरा पाता था। यकीनन हिंदुस्तान ऐसा था, लेकिन चीजें बदली हैं। लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि इन दुश्वारियों से या बदले हुए हालात से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस्लाम और दुश्वारी का रिश्ता तो 1400 साल पुराना है। आप डॉक्टर महेंद्र जी एक बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, उन्होंने कहीं एक अच्छी बात कही कि मुसलमानों, कोई तुम्हारी कुरान पढ़ने नहीं जाएगा, तुम्हारी हदीसें नहीं पढ़ेगा, तुम्हें देखेगा और तुम्हारी किताबों के बारे में राय बना लेगा। तो जरूरत इस बात की है कि आप हम मुसलमान तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए, जो किरदार असल में होना चाहिए था, शायद हम कहीं ना कहीं उससे दूर हैं। दुश्वारियां इस वजह से भी हैं। मैं चार मुसरे पढ़ता हूं कि सच की पहचान बन कर जियो तो सही, तुम निगहबान बन कर जियो तो सही, तुम निगहबान बन कर जियो तो सही, ये एहसास तक पहुंचेगा कि रब की राहों में फरियाद तो कीजिए, मुश्किलों में उसे याद तो कीजिए, किस में दम है आज़ा बंद करवाए फिर, मस्जिदे पहले आबाद तो कीजिए, वाले जो दोस्त हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप भी थोड़ा सा बेदार हो, थोड़ी सी आपकी और शिरकत हो। इधर हमारे पंजाब पाकिस्तान के साथी बैठे हुए हैं, उनके बारे में पता चला कि बहुत सारा काम करते रहते हैं, उनकी भी थोड़ी सी शिरकत हो। मैं जफर सिद्दीकी साहब, सलाम है उनको। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ साहब, और थोड़ी देर मेरे साथ सफर करिएगा। कि तुम्हें मदहोश जो कर दे वो जादू साथ लाया हूं, तुम्हारे चाहने वालों के आंसू साथ लाया हूं, तुम्हारे चाहने वालों के आंसू साथ लाया, मुझे अच्छा लग रहा है कि तमाम माएं यहाँ पर मौजूद हैं, और उनकी मौजूदगी से बड़ी हिम्मत मिलती है, बड़ी ताकत मिलती है।
के अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हूँ। हर दर्द की यारों में दवा लेके चला हूँ। मुझको यकीन है के रहूंगा मैं कामयाब, रहूंगा मैं कामयाब। मुझको यकीन है के रहूंगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला। गुजारिश करूंगा कि आप पीछे पड़ रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप उधर बैठ जाएं। आप मेरे बुजुर्ग हैं और मैं आपके आगे खड़ा होकर के पढूं तो ये थोड़ी सी बेअदबी सी लगती है, तो आप उधर बैठेंगे तो अच्छा है ना। मैं चार मिसरा और पढ़ता हूं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, इसी मोहब्बत के साथ, इसी जिंदगी के साथ। अभी सुभाष भाई आकर के यहाँ पढ़ रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था। डॉक्टर यदु सिंह साहब बैठे हैं, अंजन जी बैठे हैं। मैं इलाहाबाद से आता हूँ, प्रतापगढ़ के पड़ोस में एक जिला है इलाहाबाद। वहां दो नदियों का संगम होता है, गंगा और जमुना मिलती हैं, तो सरस्वती हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से सरस्वती उपजती हैं, संगम होता है वहां पे दो नदियों का। लेकिन आज मैं सिडनी में खड़ा होकर के पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि वहां नदियों का संगम होता है, लेकिन अगर किसी को तहजीबों का संगम देखना हो, मजहबों का संगम देखना हो, मुल्कों का संगम देखना हो, तो इस वक्त वो सिडनी में देख सकता है। बहुत जरूरत है मुझको इस वक्त ऐसी तस्वीरों की, ऐसे मंजरों की, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ नफरतें हैं और नफरतों का प्रचार है, नफरतों का टेलीविजनों पे लगातार टेलीकास्ट किया जा रही है, सिर्फ नफरतें। ऐसे में हम सब की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती, हम कलमकारों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती। शमीम साहब सलाम आपके जज्बे को, आपके जुनून को कि आपने मजबूर किया कि हम सारे लोग यहाँ तक हाजिर हो। मैं चार मिसरे और पढ़ता हूँ। चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, जाएंगे से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू। और तब से सोशल मीडिया पर जो फैंस हैं, मुसलसल फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर लगातार मुझे मैसेज कर रहे हैं, मुझे लगातार संदेश भेज रहे हैं कि कैसा है ऑस्ट्रेलिया, कैसे लगती है वहां की मिट्टी, कैसी है आबो हवा। मैंने कहा बहुत खूबसूरत है, यकीनन बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, लेकिन अपना मुल्क तो अपना मुल्क है ना, उसका एहसास तो उसका एहसास है। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ साहब। के मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है, मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है। मेरी सांसों
पर जान भी कुर्बान है मेरे हिंदुस्तान, तुझ पर जान भी कुर्बान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है, तेरी खुशहाली रहे कहता उनके साथ उस वक्त के हिंदी के बहुत बड़े कवि जिन्हें राष्ट्र कवि कहा गया रामधारी सिंह दिनकर साहब उतर रहे थे, वो भी पार्लियामेंट में थे उस वक्त। एकाएक नेहरू जी का पांव लड़खड़ाया, नेहरू जी गिरने को हुए कि दिनकर जी ने उनका हाथ थाम लिया। तो नेहरू जी ने दिनकर जी से कहा कि आपका शुक्रिया, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। तो दिनकर जी के जवाब को हम तमाम कलमकारों का जवाब समझा जाए। दिनकर जी ने कहा कि नेहरू जी इस देश की सियासत के कदम जब जब लड़खड़ाएंगे, अदब और साहित्य हमेशा उसे सहारा देने का काम करेगा। मुझे लगता है कि एक ऐसा दौर है जब अपोजिशन के नाम पे कुछ नहीं बचा है, एक ऐसा दौर है जब मुल्क का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, उसके हाथ में इंटरटेनमेंट से लेकर के न्यूज तक के 43 चैनल हो, 43 चैनल एक इंसान के पास, एक ऐसा दौर जब मीडिया हाउसेस के मालिकान पार्टियों की चौखट पर राज्यसभा में एंट्री लेने के लिए झुके खड़े हों, ऐसे दौर में अगर सच की उम्मीद कहीं बचती है तो वो शायद ऐसी ही महफिलों में बचती है। और उस जिम्मेदारी को समझते हुए मैं बोलने की कोशिश करता हूं साहब, ये एक मुश्किल काम है लेकिन एक शायर की अपनी जिम्मेदारी है साहब। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं बगावत कौन करता है, सभी टुकड़ों पे पलते हैं बगावत कौन करता है। मैं कोशिश करता हूँ साहब, आजकल कहीं ना कहीं से किसी ना किसी कोने से, कभी हिजाब को लेकर के, कभी अजान को लेकर के, जिनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं वो एक ट्वीट कर देते हैं, जो कुछ नहीं कर रहे वो आजकल ट्वीट कर रहे हैं, वो एक ट्वीट कर मारते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया, फिर मीडिया पे बहस शुरू हो जाती है। पिछले दिनों ऐसा ही एक बयान आया था कि साहब रात के इतने बजे लाउड स्पीकर कान में सदा पड़ती है तो खलल पड़ता है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, यदु सिंह साहब, सुभाष भाई, अंजन साहब, राहत जी जैसी बड़ी शख्सियत का आज यहाँ पे सम्मान हुआ है। मैं इलाहाबाद रहता हूँ और जहाँ रहता हूँ मेरे घर के आसपास चारों तरफ से, मैं कभी कभी रात मुशायरे से बहुत देर से घर पहुँचता हूँ और पूरी रात का जगह सफर करके, तो सोने का वक्त होता है और मेरे पड़ोस में तमाम मंदिर हैं, आरती की आवाज आती है, भजन की आवाज आती है, मेरी नींद में कभी कोई खलल नहीं पड़ता, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो अच्छे से नींद आ रही है। ऐसे में कौन लोग निकल आए हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। मैं मोहब्बत का पैगाम देते हुए एक नज्म सुनाता हूँ, असली हिंदुस्तान क्या है, मैं नज्म पढ़ता हूँ साहब। क्या कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। अगला मिसरा अगर सच में आपके वजूद का मिसरा हो तो एक एक शख्स की दुआएं मिले, मैं चाहता हूं कि पहुंचाइए उन तक तालियां, पड़े उनकी नींद में खलल, शायद कहीं उनके हाथ में ग्लास ग्लास हो, वो ओवरड्रिंक की वजह से हुआ था फिलहाल ऐसा, लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूं, मैं नाम नहीं याद ध्यान देंगे कि मैं सोनू निगम साहब की बात कर रहा हूं, हालांकि मैं कभी कभी सोचता हूं कि जिस मोहम्मद रफी साहब के गाने गा गा करके सोनू निगम साहब ने अपना कैरियर बनाया, काश वो कभी मोहम्मद रफी साहब की उस हसरत को समझ पाते कि जो हसरत उनको खाने काबा में अजान देने की थी, काश उस हसरत को समझ पाते तो इस तरह की वाहियात बात करते ही ना। लेकिन सलाम हिंदुस्तान,
पाकिस्तान की गंगा जमुनी तहजीब को कि हम बोलते उससे पहले तमाम हिंदू भाइयों ने टीवी चैनल पर बुरी तरह से क्रिटिसाइज करके सोनू से कहा कि सोनू साहब आपने गलत किया, आपका सर मुड़ना तो जायज बनता है। और सर मुड़ा साहब मैं, हालांकि वो भी एक फिजूल सी ही बात थी, लेकिन मैं नज्म पढ़ता हूं और पहुंचेगा मेरे एहसास तक। कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, आरती और अजान से मिलकर, आरती और अजान से मिलकर बने है हिंदुस्तान। कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, आरती और अजान से मिलकर बने है हिंदुस्तान। कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। अभी 3-4-5 दिन पहले उनका शायद यहाँ पे कंसर्ट भी था, नहीं थे, काश मैं उस वक्त आया होता तो उन्हें जरूर ये नज़्म सुना था कि लम्हे भर की अजान लगे है तुझको गुंडा गर्दी। अगले मिसरे तक पहुंचेगा साहब कि लम्हे भर की अजान लगे है तुझको गुंडागर्दी, हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। के लम्हे भर की अजान लगे है तुझको गुंडागर्दी। बड़ी दुआ और दाद मांगता हूं आपसे कि जिस दिन इस दुनिया में अजान की सदा नहीं आएगी, पहुंचेगा मेरे यकीन तक कि जिस दिन इस दुनिया में अजान की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह। अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी में बैठे हैं, एक शख्स आता है पेशाब करना शुरू कर देता है, सहाबी दौड़ते हैं उसे मारने के लिए, रोकने के लिए, अल्लाह के रसूल मना करते हैं, उसे अपने पास बुलाते हैं, सहाबियों से कहते हैं पानी लाओ इसे साफ करो, फिर उसे बुला के कहते हैं कि मस्जिद इबादत का घर है, पेशाब करने की जगह नहीं है। इसी बात पर वो कदमों में गिर पड़ता है और कहता है कि मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा किरदार तो लाना पड़ेगा। मैं सिडनी में खड़ा होकर यह बात कह रहा हूं कि इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई रिश्ता नहीं है सर, कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता इस्लाम का दहशतगर्दी से। अरे हम तो उनके मानने वाले हैं कि जिन पर रोज कूड़ा फेंकती थी एक बुढ़िया, एक दिन उसने कूड़ा नहीं फेंका तो आप उसका हाल चाल लेने के लिए उसके घर गए। हम तो उनके मानने वाले हैं साहब। ये कहा जाता है कि इस्लाम नाखून बहाने की इजाजत देता है, नहीं साहब, जो मजहब वजू करते हुए नाहक पानी बहाने की इजाजत ना दे वो नाहक खून बहाने की इजाजत भले कैसे दे सकता है। ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो नफरतों की बातें कर रहे हैं। और आपसे भी ये बात मैं कहता हूं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तमाम लोग यहां पे मौजूद हैं, एक आवाज आपकी तरफ से भी बुलंद होनी चाहिए।
चाहिए। ये जो आपके नाम का लबादा उड़ करके, इस्लाम का लबादा उड़ करके मासूमों का कत्ल कर रहे हैं, वो इस्लाम का चेहरा नहीं है। उन्हें उनसे इनकार किया जाए, उन्हें खारिज किया जाए, उनका बाकायदा उनके खिलाफ बात की जाए। क्योंकि मेरा अपना मानना है साहब के जिस तरह बिस्मिल्लाह कहकर के शराब पीने से हराम शराब हलाल नहीं हो जाती, उसी तरह अल्लाह अकबर कहकर के किसी मासूम का कत्ल कर देने से वो कत्ल जायज भी नहीं हो जाता। इस्लाम का चेहरा नहीं हो सकता है साहब। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी साहब। मैं आखिरी मिसरा पढ़ता हूं कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ा की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी, के अल्लाह तुझे हिदायत दे दे। आप गालियां दो लेकिन हम तो दुआ ही करेंगे के अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, ले आए ईमान कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान, आरती और अज़ान से मिलकर, आरती और अज़ान से मिलकर बने है हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है आपने जिस जोश के साथ इस नज़्म को सुना उसके लिए एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ बिल्कुल, आपकी सारी फरमाइश इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं पूरी करूँ। सैयद आज़म साहब का बहुत शुक्रिया, बहुत वज़नदार सा तोहफा दिया है उन्होंने, अब देखना है कि उसमें क्या निकलता है, दिन का चढ़ाव कैसा है और कुछ अच्छा ही निकले लेकिन मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। पॉपुलर भाई और तुरार मुझसे पूछ रहे थे कि इसमें है क्या, तो मैंने कहा अभी जब पिटारा खुलेगा तो समझ में आ जाएगा। ओम कृष्ण राहत साहब 90 साल से ज्यादा की उम्र होने के बावजूद जिस तरह से आज पूरी शाम से लेकर के रात होने को आ गई है आप बैठे हुए हैं, मैं आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूँ। आप यहाँ बैठे हैं तो हम बच्चों को ताकत मिल रही है। शरफुद्दीन साहब, मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब, जफर अंसारी साहब, जफर खान साहब जो आप पंजाब से हैं, पाकिस्तान से, इन सब की मौजूदगी बहुत खूबसूरत मुशायरा चल रहा है। मेहर अहमद साहिबा, मुझे मैंने नाम पता किया, मुझे अच्छा लगा आप जिस मोहब्बत से इस मुशायरे में हम बच्चों को दाद दे रही हैं। सादिया सदीबी साहिबा, आपकी भी मौजूदगी बहुत अच्छा चल रहा है, ये मुशायरा बहुत अच्छा लग रहा है। तमाम परदेसी मेरी आंखों के सामने बैठे हैं। आइए एक नज़्म सुनाता हूँ, थोड़ी सी अलग, थोड़ी अपने अपने तेवर से अलग एक नज़्म सुनाता हूँ, फिर वो सब सुनाता हूँ जिसकी आप फरमाइश कर रहे हैं। एक आध नई नज़्म भी सुनाऊंगा आप सारे लोगों को। के ऐ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो, गांव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो, गांव बुलाता है तुम्हें। पहला मैं तो पढ़ता हूं इस्लाम का साहब के, हाँ वही गांव जहां कच्चे मका की खुशबू, के हाँ वही गांव जहां कच्चे मका की खुशबू, आंख खुलते ही जहां आए अज़ां की खुशबू, डर जो अब्बू का हमें रात में सोने भी न दे, फिर भी चुपके से सुला देती है माँ की खुशबू, जिसका एहसास यहाँ अब भी जगाता है तुम्हें, आओ घर लौट चलो, गांव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे परदेसी,
कौन सा, कि कोई मासूम से है सांस लिए बैठा है, कोई मुद्दत से तेरी आस लिए बैठा है, तेरी मासूम सी बस एक छुअन पाने को, कोई बरसों से तेरी प्यास लिए बैठा है, जिसका चेहरा यहाँ भी ख्वाब में आता है तुम्हें, हाँ वही गांव बुलाता है तुम्हें, ऐ मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। एक बार पढ़ता हूं, जिस दिन यहां की फ्लाइट थी, एक दिल का एहसास है कि जब भी किसी बड़े सफर पे निकलता हूं तो घर जाता हूं, अम्मी से मुलाकात करता हूं, उनसे दुआएं लेता हूं। इस बार मुसलसल मुशारों में था तो घर गया, तो 3-4 रातों का जगा हुआ था, अम्मी बालों में तेल लगा रही थी और मैं उनकी गोद में सो गया, तो उनसे बात भी नहीं कर सका, जागा तो निकलना था, और जाते वक्त हर बार की तरह अम्मी की आंखों में जो 2 आंसू रहते हैं, जो सबको तो नहीं दिखाई पड़ते लेकिन मुझे दिखाई पड़ते हैं और मेरी आंख के आंसू उन्हें दिखाई पड़ते हैं, वो चेहरा दुनिया भर की तमाम शोहरतें हासिल कर लूं, कामयाबियां हासिल कर लूं, सब कुछ हासिल कर लूं, लेकिन उस चेहरे का जो फ्रेम है वो आंखों से जाता नहीं है। मैं एक बंद पढ़ता हूं इस नज़्म साहब, आप सब उससे रूबरू होंगे, मैं पढ़ता हूं। आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है, शायद ये बहुत अजीब लम्हा है, मैंने ऑन मतलब कॉल अटेंड कर लिया और मैंने उठा के छोड़ दिया है, आपकी दुआएं पहुंचेंगी मेरे घर तक भी। मैं पढ़ता हूँ साहब आखिरी बंद इस नज़्म का, आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें, चारों तरफ दौलत बिखरी पड़ी हो, कामयाबियां बिखरी पड़ी हो, लेकिन साहब जिंदगी का जो एहसास वहां है ना, वो कहीं नहीं है। वो मतलब जिंदगी में आप सब ने इसको महसूस भी किया होगा, मैंने तो बहुत कम उम्र जी है अभी, लेकिन इस उम्र में जो कुछ जिया है उसकी बुनियाद पे ये कह सकता हूं कि दुनिया भर के किसी भी 7-स्टार होटल का कोई सा भी खाना हो, माँ के हाथ की बनाई हुई एक रोटी का मुकाबला कोई खाना नहीं कर सकता, इसको मानना पड़ेगा। मैं आखिरी बार पढ़ता हूं इस नज़्म का साथ, के वहां रोज तन्हाई के दलदल के सिवा कुछ भी नहीं, यहाँ कालीन के मखमल के सिवा कुछ भी नहीं,
जंगल के सिवा कुछ भी नहीं, ऐसे जंगल में कोई डर तो सताता है तुम्हें, तो आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो गांव बुलाता है तुम्हें। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 प्यार से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं जानता हूँ जो कुछ आपको सुनना है उसे बिना आप मेरी जान नहीं छोड़ेंगे, और आप ये जानते हैं कि जब तक मैं सुना नहीं लूंगा तब तक भी मैं जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बहुत इंतजार किया। अच्छा, आपसे मेरा रिश्ता भी कुछ ऐसा जुड़ा है, भले ही मुलाकातें ना रही हो लेकिन एक दिल का रिश्ता तो है कहीं ना कहीं। वो मुझे याद आता है कि चूहिया ने हाथी से शादी रचा ली, सुहागरात के दिन हाथी मर गया, चूहिया बैठ के रो रही थी, जंगल के सारे जानवर उसे चुप करा रहे थे, चूहिया थी कि चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। सारे जानवरों ने थक हार के चूहिया से कहा, ये बताओ क्या तुम सचमुच में हाथी से इतना ज्यादा प्यार करती थी कि उसके बिना रह नहीं सकती? तो चूहिया ने कहा कि प्यार वार तो छोड़ो, साथ सिर्फ एक रात का मिला, जिंदगी भर तो कब्र खोदने में बीत जाएगा। तो कुछ रिश्ता आपसे इसी तरह का जुड़ा हुआ है कि उसे निभाने में जिंदगी बीतनी है, उसे निभाने में खुद को वक्फ कर देना है। आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं, मैं पहला ऐसा मुशायरा पढ़ रहा हूँ जिसमें मेहमान खुसूसी कहने के लिए एक एमपी है, नेता है, लेकिन कोई दखलंदाजी नहीं, सामने आप बैठे हैं। और मुझे यहाँ तक लेके आने के लिए मैं शुक्रिया अदा करूंगा इंताज साहब का, जो मेलबोर्न से है और हमारे पड़ोस में राजस्थान के रहने वाले हैं, वहाँ काउंसलर हैं। उन्होंने सुबह सुबह अपनी नींद खराब करी और मुझे लेकर के यहाँ तक आए, उनका बहुत शुक्रिया। बड़ा काम कर रहे हैं कम्युनिटी की तालीम के लिए वो, तो उन्हें सलाम, उनकी हिम्मत को सलाम। मैं चार अक्षर पढ़ता हूँ, थोड़ा सा रंग बदलने की कोशिश करता हूँ, ये मैं ऐसा बीच बीच में बोलता रहूंगा फिर कुछ सुनाता रहूंगा, आदत होती है, ऐसा करना पड़ता है, ना करें तो आप भी समझेंगे कि पता नहीं क्या बोले चला जा रहा है, आदत जल्दी आती नहीं है साहब। वो पिछले दिनों एक बस में टिकट काटने वाले की शादी हो गई, तो सुहाग की सेज पे बैठ के बीवी से बोला कि बहन जी जरा और सबको दो सवारियां और बैठेंगी। तो ये जो आदत है वो जल्दी जाती नहीं। वो एक पुजारी पर बड़ी खूबसूरत सी लड़की से प्यार हो गया, तो उसे डरते डरते आहिस्ता से उसके कंधे पे हाथ रख के धीरे से कहा आई लव यू। लड़की ने कहा जोर से बोलो, उसने कहा जय माता दी। तो ये जो आदत है वो जल्दी जाती नहीं इंसान की, तो मेरी भी ऐसी कुछ आदत है, तो कोशिश करूंगा कि थोड़ा थोड़ा आपको सुनाता रहूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा, हाथ नहीं बांध रखे होते तो जय न बोलने वालों की गर्दनें काट देता। पीस एम्बेस
एम्बेसडर हैं वो हरियाणा गवर्नमेंट के। तब मैंने ऐसे मजे के चार मिसरे कहे, एक शायर, जब वो मजे लेते रहते हैं तो मेरा भी मन करता है कि मैं मजे लूं। वो जब बार बार कहते थे कि काला धन वापस आएगा, काला धन वापस आएगा, तो पत्रकारों ने इस बीच उनकी जान पकड़ के कहा, भाई आप कहते थे काला धन वापस आएगा, वापस तो नहीं आया। तो उनके बगल बैठे एक आदमी ने कहा कि बाबा ने कहते हुए आंख भी तो मारी थी, आपको समझना चाहिए था ये बात। तो बाबा बड़े मजे के आदमी थे। मैंने चार मिसरे कहे साहब, कह जो नफरत के सब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो